अरे यार मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो? हे भगवान, इनको क्या हो गया, यहाँ आसपास पानी भी नहीं है। अंकल आप ठीक तो? छोड़ो ना यार, वैसे भी मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। कोने की चेन ये तो काफी महंगी लग रही है, कोई देख तो नहीं रहा। अरे यार लगता है आज तो लेट हो गया मैं। अरे अंकल, अंकल क्या हुआ अंकल? पैसे? कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा करता हूँ पैसे लेके चला जाता हूँ। यार आज इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा। अंकल, अंकल क्या हुआ अंकल? अंकल ये लीजिए पानी पीजिए। क्या हुआ अंकल, अब तो ठीक है आपको? हाँ ठीक लग रहा है। हाँ अंकल खड़े हो जाइए, आप आराम से खड़े हो जाइए। ठीक है खड़े हैं। आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है और आप तीनों में से एक सेलेक्ट हुआ है। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो हम तीनों का इंटरव्यू भी नहीं हुआ और आप बोल रहे हो कि हम तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है। मैं इंटरव्यू तो ले चुका हूँ आप लोगों का। लेकिन सर इंटरव्यू हुआ कब? हाँ सर ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ और हम लोग तो अभी अभी आए हैं। मैं बताता हूँ आपको कब हुआ आपका इंटरव्यू। आप तो वही हो ना जो रोड पे बेहोश हुए थे? हाँ मैं वही हूँ, जब मैं बेहोश हुआ था तो मेरे चैन लेकर भागी थी। और तुम वही जो मेरा पैसा लेकर भागा था, तुम दोनों से मदद तो हुई नहीं और चोरी करके भागे। सर वो मैं इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो रही थी इसीलिए हम जल्दी जल्दी आ गए। हाँ सर ये सही बोल रही है, हमें लेट हो रही थी इसलिए हम जल्दी जल्दी में आ गए। अच्छा जल्दी जल्दी में चले आए, मदद करने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है और चोरी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। सॉरी सर, वो सोने की चेन देख के मेरे मन में लालच आ गया था इसलिए मैंने चोरी कर ली। वो क्या है ना सर, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही है इसलिए मैंने चोरी कर ली। और क्या है ना कि घर में कमाने वाली मैं एक ही हूँ इसलिए मजबूरी में सर मैंने चोरी की थी। सॉरी सर मुझे माफ कर दो। बस बस रहने दो, जो ईमानदार नहीं होते इस कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो जाइए। हाँ बेटे तुम बहुत ईमानदार हो, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पहले ही ले लिया था, कल तुम जॉब पे आ जाना। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।